हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब ठीक, खुश, फिट, फाट और अच्छे होंगे। तो उस दिन मैंने जब वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि मैं आप लोगों के साथ शुगर के एक आसान सा, बिल्कुल लाइट साइड टोटका शेयर करूंगी जो कि हर कोई यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मेरे साथ फेसबुक के मैसेंजर पर इतने सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे, यार नगिन वो तो तुमने बताया नहीं, यार नगिन तो वो तो तुमने बताया नहीं। तो मैंने सोचा वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूं। जैसे आपको पता है कि इस वक्त शुगर बेतहाशा फैलता जा रहा है पूरी दुनिया में, और हर दूसरा तीसरा बंदर जो है वो शुगर का शिकार है। और पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा शुगर की शरह है तो वो चाइना में, दूसरे नंबर पर इंडिया और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, पूरी दुनिया में शुगर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है। तो वैसे तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपना शुगर का टेस्ट पहले करवा लें कि आप लोगों का कितना शुगर है कितना नहीं। एक दफा आप डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। लेकिन एलोपैथिक दवाइयों में इंसुलिन को जो इंसुलिन को जो मतलब आप बादशाह उसको कह सकते हैं ना, जो इंसुलिन जितना नादिया कुतुबुद्दीन स्कैन और आजाद अल तो का, वो मेरी भाभी एक कमरे से चली गई, मैं उसके रूम में बैठी हूँ। तो एलोपैथिक दवाइयों में इंसुलिन को जितना पावर दिया गया है, मतलब जितनी ताकत है, मतलब जितना आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हो, इसी तरह जो मैं आपको टोटका बताने वाली हूँ तो ये हकीमी दवा मतलब जड़ी बूटियों के दवाइयों में ये बादशाह है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान सा है, लेकिन ये है कि जो करने वाले हैं उनके लिए तो आसान सा है, लेकिन जो नहीं कर सकते ना तो उनके लिए फिर बड़ा मुश्किल सा है। ये मैं लेकर आई हूं, ये है, इसको कहते हैं कोरतुम्मा, उर्दू में तो कोरतुम्मा कहते हैं, ठीक है। ये इतना तरबूज की तरह छोटा सा होता है और अक्सर रेगिस्तान वगैरह जो वीरान इलाके होते हैं ना, ये उसमें मिलता है, जड़ी बूटियों वगैरह में ना। अब बहुत से हकीम या बहुत से यूट्यूबर आप लोगों को बता रहे होते हैं कि ये आप ताजा यूज करें, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस भी चाहिए होते हैं कि कॉमन सेंस की बात है कि ताजा आप कैसे यूज कर सकते हो, क्योंकि ये तो रेगिस्तान और वीरानों में पाया जाता है और आप शहर में हो तो फिर आप इसको ताजा कैसे यूज कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन है कि आप पंसार के पास जाओ, ये बिल्कुल इजीली पंसार के पास मिल जाते हैं, उसे को के कोड तोबा दे दो, ये बड़ा सस्ता है। अच्छा ये तो जाम का बोतल है, अच्छा इसके अंदर जो वो कोड तोबा है, ये बड़ा सस्ता सा है। ये मैंने पूरा जो बोतल भरा हुआ है ना, ये मैंने सिर्फ 100 रुपए का खरीदा है। आप उसी को 100 रुपए का कोरतुम्मा दो, लेकिन अगर आप घर पर उसको पाउडर अच्छे से नहीं बना सकते तो फिर उधर पंसार से खो तो वो आपको पाउडर भी बना के दे देगा। लेकिन बहुत से लोगों को इसके पता नहीं होते कि कितना यूज करना है। बहुत से लोग जो होते हैं तो वो इसको चाय का चम्मच या चाय का आधा चम्मच इस तरह यूज करते हैं तो उससे वो बीमार पड़ जाते हैं, तो फिर कहते हैं हकीमी दवाइयां जो थी वो ठीक नहीं होती। ये आप लोगों ने यूज करने बिल्कुल थोड़ा सा सुबह और शाम, पॉसिबल हो तो चाय से पहले कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप किसी भी टाइम कर सकते हो। देखो ये ना इतना सा यूज करना है, मैं हथेली में बताती हूँ, नजर आ रहा है, ठीक है। ये ज्यादा यूज नहीं करना, क्योंकि आप जब ज्यादा यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली एक चीज का जब आप में डोज बढ़ जाते हैं तो फिर तो वो अपने को खराब करते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप इसको स्टार्ट में यूज करोगे ना तो इससे आपको थोड़े से लूज मोशन भी हो सकते हैं और आप बार बार बाथरूम आओगे जाओगे क्योंकि मुझे हुआ था ना, मैं तो आप लोगों के साथ वही बात शेयर करूं जो मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। तो इससे आपको लूज मोशन हो सकते हैं,
लेकिन आपने इसे घबराने का नहीं, ठीक है, इसे आपने घबराने का नहीं। जब आप इसकी कंटिन्यूटी बरकरार रखोगे ना, तो फिर आप ठीक हो जाओगे। आप एक दफा टेस्ट करवा लें डॉक्टर से, और फिर ये सुबह शाम इतनी चुटकी से इसको क्या कहते हैं, चुटकी को उर्दू में क्या कहते हैं, पिंच, इतना सा पिंच, ठीक है, यूज कर लो सुबह और शाम। आप एक संडे को अपना टेस्ट करवा लो शुगर का, और दूसरे संडे ये कंटिन्यू यूज करके दूसरे संडे फिर आप शुगर का टेस्ट करवाओ, तब आपको पता चलेगा कि कितना आप लोगों को फर्क पड़ा है, ठीक है। ये परले दर्जे का कड़वा होता है, परले दर्जे का, इतना कड़वा ना कि जब आप इसको जबान पे रख लेकर पी लेते हो ना पानी, जबान जो है ना कम से कम 1.5-2 घंटे तक आपकी ना कड़वी रहती है। तो मैं तो आप लोगों के साथ सिर्फ इतनी हमदर्दी कर सकती हूँ, कड़वा कड़वा गुट। जो मेरी तरह कड़वा बर्दाश्त कर सकते हैं तो वो तो एक पिंच लेकर तो पी जाए, जो नहीं कर सकते तो वो एक पिंच खाने की फौरन मन अपने साथ शहद रख ले, तो थोड़ा सा शहद चाट ले, कोई इशू नहीं, शहद लेकिन अच्छा शहद हो। अब देखो जैसे कि ये एक पिंच है, मैं आप लोगों के सामने इसको ना यूज करती हूँ, ये है पानी, ठीक है, ये नजर आ रहा है पानी, इतना कड़वा, बहुत ही ज्यादा कड़वा होता है, लेकिन कुछ देर बाद फिर ठीक हो जाते हैं। ये आप यूज करें, मैं आप लोगों को गारंटी देती हूं कि आप लोगों का शुगर लेवल कम हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने अपना शुगर लेवल चेक करते रहना है। ऐसा ना हो कि आप लोगों का शुगर इतना डाउन हो जाए कि फिर भी आप लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाना पड़े, क्योंकि शुगर का एक लेवल होता है, उसके मुताबिक रहना चाहिए। अगर आपको शुगर ज्यादा डाउन हो जाता है ना, तब भी खतरनाक है, और अगर आपको शुगर बहुत ज्यादा, अच्छा अगर हाई हो तो इतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन जो डाउन होते हैं ना वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसलिए शुगर के लेवल को बराबर रखें, गिरना नहीं चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और शुगर लेवल गिरना भी नहीं चाहिए, ये बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों के साथ और भी बड़े अच्छे अच्छे और इसी तरह छोटे छोटे की सस्ते सस्ते से टोटके यूज कर बताऊंगी आप लोग, आप उसको यूज करोगे ना तो आप लोग वाह यार नगीन तेरी क्या बात है। तो ये जरूर यूज कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखे, मेरे चैनल को लाइक भी कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो, बेल का आइकन दबाई, कॉमेंट्स भी करो, अपना बहुत सा ख्याल रखो, अपनी दुआओं में भी याद रखो। खुश रहो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।